क्या कोई ऐसा कार कंपोनेंट होगा जो एडवांस तो है लेकिन उसने अपने ऑटो मैन्युफैक्चरर्स की नाक में दम कर रखा है। गूगल पर जाओ और लिखो VWDSG और उसके बाद गूगल अपने आप उसको ऑटो कंप्लीट कर देगा विद सजेशंस लाइक फेलियर, गियर बॉक्स प्रॉब्लम, इश्यूज और गियर बॉक्स रिलायबिलिटी एंड व्हाट नॉट। तो यहाँ पर हम किसके बारे में बात कर रहे हैं? Yes, here we are talking about VW's most infamous automatic gearbox, यानी कि DSG, जिसे आम इंग्लिश में DCT या Dual Clutch Transmission भी बोला जाता है। VW के द्वारा सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाले इस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स को अपने एक्सट्रीमली फास्ट गियर शिफ्ट के लिए जाना जाता है और साथ ही साथ अपनी पुअर रिलायबिलिटी के लिए भी। लेकिन VW ग्रुप अकेला नहीं है जो इसे यूज करता है। ऑलमोस्ट सभी कंपनीज DCT को एक रिलायबल और मॉडर्न ट्रांसमिशन के तौर पर बेचती हैं, लेकिन जमीनी हकीकत बहुत अलग है और वो हमें इस बहुत ही वास्ट डेटा से पता लगता है जो कि पास्ट केसेस से हमें मिलता है। जैसे कि 2012 में USA के अंदर फोर्ड के ऊपर केस करा गया था DCT के खराब परफॉर्मेंस को लेकर, और 2020 में फोर्ड ने सेटलमेंट को प्रपोज किया था और पता है इसके लिए उन्हें कितना पे करना पड़ा था? $30 मिलियन। और साथ ही गाड़ियां बायबैक और रिकॉल करी जा रही हैं, जहां पर फोर्ड $47.4 मिलियन ऑलरेडी खर्च कर चुका है। और ऐसी ही सिमिलर कहानी फोक्सवैगन ग्रुप के साथ भी है जो DSG अपनी गाड़ियों के अंदर लगाते हैं। उन्हें भी 2013 में 26,000 गाड़ियां और 2019 में फॉक्सवैगन, ऑडी और स्कोडा को मिलाकर 80,000 गाड़ियां रिकॉल करनी पड़ी। इसी तरह 2013-14 में होंडा ने भी अपनी DCT फिटेड गाड़ियों को सॉफ्टवेयर और ट्रांसमिशन फॉल्ट की वजह से रिकॉल किया था, और ये नंबर पहले 4,000 था, फिर 36,000 हुआ और फिर 81,000 तक पहुंच गया। और रिसेंटली यानी कि 2022 में US एंड कैनेडा में ऑलमोस्ट 62,000 हुंडई और 69,000 किया कार्स को रिकॉल किया गया था ड्यू टू DCT इश्यूज। और अगर हम इन सभी नंबर्स को देखें ना, तो ये बहुत ही बड़ा नंबर है। एक तरफ DCT ट्रांसमिशन को कंपनीज के सेल्समैन द्वारा एक बहुत ही ज़्यादा एडवांस और रेवोल्यूशनरी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की तरीके से बेचा जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ कंपनीज चुपचाप रिकॉल्स कर रही हैं। और इसीलिए हमारे लिए ये जानना ज़रूरी है कि आखिर ये DCT ट्रांसमिशन के साथ प्रॉब्लम क्या है, और इसको स्क्रैच से समझने के लिए हम बेसिक से समझना चालू करेंगे ताकि एक आम आदमी को भी समझ में आए कि आखिर ये ट्रांसमिशन वर्क कैसे करते हैं। और इसको बेसिक से समझने के लिए हम बाकी ट्रांसमिशंस की भी बात करेंगे और उनकी अच्छाइयाँ और बुराइयों को भी समझते हुए DCT को एक्सप्लोर करेंगे। और क्योंकि आपको इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, इसीलिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो लेट्स स्टार्ट। अब डुअल क्लच को समझने से पहले हमें गियर्स की फंक्शनिंग को समझ लेना चाहिए। एक इंजन एक फिक्स्ड बैंड के अंदर ही RPM और टॉर्क जनरेट करता है, लेकिन रियल लाइफ में हमारी जरूरतें अलग अलग होती हैं उस इंजन से। जैसे कि हाईवे पर आपको स्पीड ज्यादा चाहिए होती है और पहाड़ों पर आपको टॉर्क की ज्यादा जरूरत होती है, और इसी जगह पर काम आते हैं गियर्स। इनपुट और आउटपुट शाफ्ट में लगे गियर्स का रेशियो अलग अलग होता है। जहां पर इनिशियल गियर्स बड़े होते हैं और ज्यादा टॉर्क प्रोड्यूस करते हैं, वहीं हायर गियर्स छोटे होते हैं और ज्यादा RPM प्रोड्यूस करते हैं। और इसके पीछे एक सिंपल सा फॉर्मूला है जो आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, यानी कि टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू रेडियस। यानी कि इंजन से आने वाली फोर्स तो कांस्टेंट है, लेकिन बड़े गियर्स में शाफ्ट के आउटर पिन तक का रेडियस ज्यादा होने के कारण ज्यादा टॉर्क मिलता है। और जब छोटा गियर कई राउंड्स कंप्लीट कर लेता है, तब बड़े गियर में एक राउंड कंप्लीट होता है, तो RPM घट जाती है और टॉर्क बढ़ जाता है। यानी कि इंजन के RPM तो सेम रहते हैं, लेकिन हम गियर्स की मदद से व्हील पर आने वाला आउटपुट बदल देते हैं, और यही काम होता है गियर्स का। लेकिन चलती गाड़ी में गियर्स को चेंज करना पॉसिबल नहीं होता, और उसी के लिए काम आता है क्लच, जो कि फ्लाई व्हील को इनपुट शाफ्ट से डिसंगेज कर देता है जब आप गियर बदल रहे होते हो। और अगर आपने गाड़ी चलाई है, जो कि मैं मानता हूँ ज्यादातर इस चैनल पे लोगों ने चलाई ही होगी, तो आपको पता होगा कि खासकर ट्रैफिक के अंदर गियर चेंज करना और क्लच को बार बार संभालना काफी ज्यादा थका देने वाला काम हो जाता है। और यहीं पर काम आता है सेमी ऑटोमेटिक और फुली ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस। सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन ज्यादातर दो तरीके के होते हैं, एक होता है IMT और एक होता है AMT। IMT का मतलब होता है इंडिपेंडेंट मैनुअल ट्रांसमिशन, और AMT होता है ऑटोमेटिक मैनुअल ट्रांसमिशन। इन गाड़ियों के अंदर होते तो मैनुअल गियर बॉक्स ही हैं, लेकिन इनको आप कंट्रोल नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल IMT के अंदर एक्चुएटर लगे होते हैं जो सिर्फ क्लच को कंट्रोल करते हैं और आपको गियर चेंजेस करने होते हैं, लेकिन AMT के लिए क्लच और गियर दोनों के लिए एक्चुएटर्स लगे होते हैं जो कि कंट्रोल करे जाते हैं कंप्यूटर द्वारा। ये जो सेमी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशंस होते हैं, ये ज़्यादातर सस्ती गाड़ियों में या फिर किसी गाड़ी के लोअर वेरिएंट के अंदर ही पाए जाते हैं, और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इनकी कीमत एक फुली ऑटोमेटिक गियर बॉक्स के मुकाबले काफ़ी कम होती है। फॉर एग्जाम्पल एक IMT की कीमत लगभग 25,000 से 30,000 के आसपास आती है कंपनी को, और एक AMT की 55,000 से 60,000 के आसपास। लेकिन इन एक्चुएटर ऑपरेटेड सेमी ऑटोमेटिक गियर्स के साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, और वो प्रॉब्लम यह है कि इन गाड़ियों के अंदर गियर चेंज होते टाइम बहुत ज़्यादा जर्क महसूस होता है, क्योंकि ये कंप्यूटर ऑपरेटेड होते हैं और किसी ह्यूमन द्वारा चेंज नहीं किए जा रहे होते हैं, और ये कुछ ऐसा फील होता है जैसे कोई नौसिखिया ड्राइवर गियर चेंज कर रहा। अब यही जो जर्किंग वाली बात है या फिर डिलेड शिफ्ट वाली बात है, ये एड्रेस की गई ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के अंदर।
और इस कैटेगरी में सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअसली वेरिएबल ट्रांसमिशन यानी कि सीवीटी को। सीवीटी एक बहुत ही ज्यादा सिंपल मैकेनिज्म पर काम करता है, जहां पर गियर्स के बजाय दो कोन्स होते हैं जिनके पास और दूर जाने से गियर रेशियो कंटिन्यूअसली चेंज होते हैं, और इन दोनों सेट ऑफ कोन्स को कनेक्ट करती है एक बेल्ट। और क्योंकि यहाँ पर कोई भी छोटे से बड़े गियर के अंदर शिफ्टिंग नहीं हो रही होती है, इसीलिए यहाँ पर गियर बॉक्स बहुत ही ज़्यादा स्मूथ फील होता है। लेकिन इसके साथ भी एक अपनी प्रॉब्लम जुड़ी हुई है, जो कि है रबर बैंड इफेक्ट की। कई सीवीटी एयरबॉक्स वाली गाड़ियों के अंदर ये देखने को मिलता है कि इनके अंदर इनिशियल परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा स्लगिश होती है, यानी कि अगर आपको इन गाड़ियों को बहुत तेज़ी से उठाना है या बहुत तेज़ी से पिकअप करना है तो ये उतना अच्छा नहीं हो पाता है जितना अच्छा किसी मैनुअल कार के अंदर हो या किसी बेटर गियरबॉक्स के अंदर हो। और जिस बेटर गियरबॉक्स की बात मैं कर रहा हूँ वो है टॉर्क कन्वर्टर। टॉर्क कन्वर्टर दुनिया का सबसे ज़्यादा पॉपुलर गियरबॉक्स है और ज़्यादातर गाड़ियों के अंदर यही पाया जाता है। टॉर्क कन्वर्टर के अंदर चार कंपोनेंट्स होते हैं, पंप, स्टेटर, टर्बाइन और ट्रांसमिशन फ्लूइड। इंजन शाफ्ट से पंप घूमती है, ट्रांसमिशन फ्लूइड जाता है बाहर की तरफ जिससे कि घूमता है टर्बाइन, और जिससे कनेक्टेड होते हैं व्हील्स। अब इस सिंपल अरेंजमेंट के अंदर टॉर्क चेंज नहीं होता है, इसीलिए इनके बीच में लगा होता है स्टेटर, जो कि फ्लूइड को एक एंगल पर बेंड कर देता है जिससे कि वो फ्लूइड वापस चले जाता है पंप के पास, जिससे कि टर्बाइन की स्पीड बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाती है। अब ये तो रही इसकी फंक्शनिंग, लेकिन अगर मैं टॉर्क कन्वर्टर की बात बताऊं तो टॉर्क कन्वर्टर को अभी तक का सबसे ज़्यादा रिलायबल और स्मूथ ट्रांसमिशन माना जाता है, और ज़्यादातर प्रीमियम कार्स के अंदर यही मिलता है। लेकिन इसके साथ भी अपनी दिक्कतें जुड़ी हुई थी, और सबसे पहली दिक्कत थी इसकी फ्यूल एफिशिएंसी से जुड़ी हुई। टॉर्क कन्वर्टर गियरबॉक्स वाली गाड़ियाँ काफ़ी कम फ्यूल एफिशिएंसी निकालती थी, और 2000s के बाद से ही कंपनीज पर ज़्यादा फ्यूल एफिशिएंसी देने का दबाव बना हुआ था। और टॉर्क कन्वर्टर का दूसरा सबसे बड़ा ड्रॉबैक था इसकी स्लो स्पीड, जो कि परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार्स के लिए कहीं तक भी ठीक नहीं थी। इनफैक्ट 0 से 100 का नंबर आप मैनुअल गियरबॉक्स के साथ ज़्यादा अच्छी तरीके से अचीव कर सकते थे अगर पुरानी गाड़ियों की बात करी जाए तो। और यहीं पर आया डुअल क्लच ट्रांसमिशन। सी देखा जाए तो डीसीटी और टॉर्क कन्वर्टर की डेवलपमेंट पैरेलली चालू हो गई थी, लेकिन फ्रेंच इंजीनियर एडोल्फ केग्रेस ने डीसीटी को सबसे पहले 1939 में ही बना लिया था, और फिर पोशा ने पीडी के नाम से इसको डेवलप करना शुरू किया, और 80s में पोशा 956 और 962 सी में रेसिंग के लिए इसको इस्तेमाल किया गया। लेकिन इसको मास मार्केट कार के अंदर लेकर आए फॉक्सवैगन, जिन्होंने 2003 के अंदर गोल्फ R32 के अंदर इसको पहली बार इस्तेमाल किया, और उसके बाद तो लगातार हर कंपनी के पास अपने वर्जन आ गए थे इस गियरबॉक्स के, जैसे कि फॉक्सवैगन का DSG था ही, फिर ऑडी का एस्ट्रॉनिक आ गया, पोशा का PDK और फोर्ड का पावर शिफ्ट, और इसी तरीके से बाकी कोरियन कंपनी और जैपनीज कंपनीज के पास भी ये अपने अपने DCT ट्रांसमिशन आ गए थे। और जैसा मैंने अभी बताया, DCT की सबसे बड़ी एडवांटेज थी इसकी फास्ट शिफ्टिंग, जो कि इसको स्पोर्ट्स कार से लेकर परफॉर्मेंस ओरिएंटेड सेडान्स और हॉट हैचबैक्स के अंदर जल्दी से स्पीड पकड़ने में मदद करती थी। लेकिन ये ऐसा कर कैसे पाता था, चलिए इसकी फंक्शनिंग को देखते हैं। इसके डुअल क्लच ट्रांसमिशन वाले नाम से ही समझ में आता है कि इसके अंदर दो क्लच होते हैं, और इसका फंक्शन है भी ऐसा ही। मैनुअल गियर्स को दो डिफरेंट क्लच के साथ अटैच किया जाता है, एक इवन और एक ऑड, यानी कि जब क्लच ए के अंदर गाड़ी फर्स्ट गियर पर होगी तब क्लच बी पर गाड़ी सेकंड गियर पर होगी। और यहाँ पर गियर चेंज का झंझट ही नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर गाड़ी ऑटोमेटिकली सीधा क्लच ही चेंज कर देती है, जिससे इंस्टेंट गियर चेंज हो जाते हैं और टॉर्क लॉस भी नहीं होता है, जो कि अगर आप किसी गाड़ी के साथ ड्रैग रेस में हो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ये भी चीज़ देखने को मिलती है कि DCT ट्रांसमिशन के साथ फ्यूल एफिशिएंसी भी ठीक ठाक मिलती है एक टॉर्क कन्वर्टर के मुकाबले, और जैसा अभी हमने समझा ये बहुत ज़्यादा फास्ट भी होता है। लेकिन अब जब सब कुछ अच्छा ही है और ये इतना ज़्यादा एडवांस है बाकी गियर बॉक्सेस के मुकाबले, तो इशू कहाँ पर आया? देखो, सबसे पहली चीज़ तो है इसकी कॉस्ट। DCT 1 से 1.25 लाख रुपए के बीच में पड़ता है कंपनीज को, और ऐसे ट्रांसमिशन को एक 10 लाख रुपए से नीचे वाली गाड़ी में देना इम्पॉसिबल है। उसके ऊपर से इसका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसकी वजह से रिपेयर्स एंड रिप्लेसमेंट में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट बढ़ जाती है। एक कार एंथुजियास्ट को इससे बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है, ये बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ नहीं है उनके लिए, उनको तो गाड़ी भगानी है। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत आती है इसकी रिलायबिलिटी के साथ। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में ये ट्रांसमिशन बहुत ज़्यादा दिक्कत दे देता है, क्योंकि इसके कंप्यूटर्स को रेस और ब्रेक के बीच में डांस करना होता है हैवी ट्रैफिक कंडीशन में, जिससे कि सिस्टम ओवरहीट हो जाता है। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि क्लचेस बार बार एंगेज और डिसएंगेज होते हैं, जिससे कि वो हीट अप हो जाते हैं। और फिर ऐसे इश्यूज आते हैं जैसे कि गाड़ी का लॉक हो जाना, या फिर इनिशियली उठते टाइम जर्क करना। और ये हीट वाला इशू इनिशियली यूज़ करी गई ड्राई क्लच में तो ज़्यादा कॉमन था, लेकिन बाद में वेट क्लचेस का इस्तेमाल किया जाने लगा, लेकिन इनके साथ अपनी और प्रॉब्लम आने लग गई, जैसे कि वेट क्लचेस भारी होते हैं और ऑयल के कारण एफिशिएंसी भी लॉस हो जाती है। लेकिन बहुत रीसेंट टाइम्स में हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि जहाँ पर DCTs अंडर परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट के अंदर, वहीं कंपनीज का ध्यान फिर से टॉर्क कन्वर्टर की तरफ बढ़ा है, और वो उन्हीं के अंदर बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट्स कर रहे हैं, जैसे कि ब्रांड 6-स्पीड ऑटोमेटिक गियरबॉक्स से आगे बढ़कर 8, 9 और 10 स्पीड के ऑटोमेटिक गियरबॉक्स दे रहे हैं टॉर्क कन्वर्टर वाले, जिससे कि इन गियरबॉक्सेस की फ्यूल एफिशिएंसी ज़्यादा बढ़ पाए, क्योंकि ज़्यादा छोटे गियर्स होंगे तो RPM कम होगी इंजन की, और उससे ऑटोमेटिकली एफिशिएंसी बढ़ेगी। और BMW अपनी M3, जो कि एक स्पोर्ट्स कार है,
उसके अंदर ZF8HP टॉक कन्वर्टर का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। चलो अब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। एक टाइम था जब लोग डायरेक्ट करंट को अल्टरनेटिंग करंट को एक दूसरे का राइवल समझते थे, लेकिन आज देखने में ये मिलता है कि DC ग्रिड्स पे चलाया जाता है और घरों के अंदर अल्टरनेटिंग करंट यूज होता है और अल्टीमेटली ये ट्रांसमिशन भी इसी तरीके से यूज किए जाएंगे। और रिसेंटली हमें ये देखने को भी मिल रहा है कि इंडिया जैसी कंट्रीज के अंदर कंपनीज अपने DCTs को काफी ज्यादा मेलो डाउन कर चुकी हैं और अब वो DCTs जैसे लगते ही नहीं है। लेकिन फॉरेन कंट्रीज में शायद DCTs अभी भी उतने ही ज्यादा एग्रेसिव हैं जितने पहले हुआ करते थे, क्योंकि वहां पर उतनी ज्यादा ट्रैफिक की प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गियरबॉक्स की प्रॉब्लम के साथ साथ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम कंपनीज का झूठ भी है। DCTs आर अल्टीमेट टेक्नोलॉजी, ये स्टेटमेंट ना ही सिर्फ झूठ थी बल्कि फ्री प्रेस इन्वेस्टिगेशन की 2019 की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग फोर्ड के इंटरनल डॉक्यूमेंट्स में ये साफ दिखता है कि उन्हें DCT के फ्लॉस के बारे में पहले से ही पता था, लेकिन फिर भी वो अपने कंज्यूमर्स को इन गियरबॉक्स को गलत जानकारी के साथ बेच रहे थे। अब कंपनीज आपसे सच बोले या झूठ बोले, हमारा काम आपको सच बताना है और आपका काम है इस वीडियो को शेयर करना, तो वो तो करिए ही, साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशन का कारण बनता है, जिससे हम और भी ज़्यादा ऐसी वीडियोज़ बना सकते हैं। और लास्ट में कमेंट्स में ये भी ज़रूर बताइए कि आप जो गाड़ी चलाते हैं वो मैनुअल है या किस ऑटोमेटिक गियरबॉक्स के साथ आती है। धन्यवाद।